हाय गाइस, सेल्फ एजुकेशन डे प्रोग्राम की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आज हम लेकर आए जीके साइंस से रिलेटेड कुछ एक टॉपिक है, मानव उत्सर्जन तंत्र, जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जो बायोलॉजी के नोट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो वन लाइनर फैक्ट एंड डिटेल्स में आपको बताएंगे कि मानव उत्सर्जन तंत्र के ऊपर चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? उत्सर्जन उपापचय की प्रक्रिया के दौरान मानव शरीर से नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपापचय की प्रक्रिया के दौरान मानव शरीर से नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। सामान्यतः उत्सर्जन से अर्थ नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड आदि का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, वो निम्न प्रकार के हैं। पहला है ब्रक। ब्रक में यानी कि किडनी, मानव एवं अन्य दूसरे स्तनधारियों का प्रमुख उत्सर्जी अंग एक जोड़ी ब्रक है, इसका भार 140 ग्राम है। इसके दो भाग होते हैं, बाहरी भाग कॉर्टेक्स और भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। प्रत्येक ब्रक में लगभग 13 करोड़ ब्रक नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जो कि एक नेफ्रॉन कहलाती है। नेफ्रॉन ब्रक की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक कपनुमा संरचना होती है, जिसे वोमेन सपोर्ट कहते हैं। वोमेन सपोर्ट में पतली रुधिर कोशिकाओं का एक कोशिका गुच्छ पाया जाता है, जो कि दो प्रकार की धमनियों से मिलकर बनता है। पहला है एक चौड़ी अभिवाही धमनी, जो रक्त को कोशिका गुच्छ तक पहुंचाती है। दूसरी पतली अवाही धमनी, इसके द्वारा रक्त कोशिका गुच्छ से वापस लाया जाता है। इसमें कुछ वल्नरेबल फैक्टर हैं जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ग्लोमेरुलस की कोशिका से द्रव के छनकर वोमेन गुहा में पहुंचने की क्रिया परानिस्पंदन कहते हैं। ब्रकों का प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना, अर्थात इसमें से अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों का जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलना। ब्रक को रुधिर आपूर्ति अंगों की तुलना में बहुत अधिक होना। ब्रक प्रति मिनट औसतन 115 मिली रक्त निष्पंदन होता है, अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन। इसमें से 1.45 लीटर प्रतिदिन मूत्र में बदल जाता है और शेष नेफ्रॉन कोशिकाओं एवं रक्त अवशोषित हो जाता है। सामान्यतः मूत्र में 95% जल, 2% लवण, 2.5% यूरिया, 0.3% यूरिक अम्ल होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग, जिसमें यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र की प्रकृति में अम्लीय होती है, इसका पीएच मान 6 होता है। ब्रक में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथियां एवं श्वेत ग्रंथियां क्रमशः सीवन एवं पसीने का स्रावण करती हैं। थायराइड यकृत लिवर यकृत कोशिकाओं की आवश्यकता अधिक अमीनो अम्लों व रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाती हैं। और तथा फेफड़े दो प्रकार के गैसीय पदार्थों कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। कुछ पदार्थों जैसे लहसुन प्याज और कुछ मसाले जिस वाष्पशील घटक होते हैं, जो उत्सर्जन द्वारा फेफड़ों द्वारा ही होता है। ये आज का था हमारा उत्सर्जन तंत्र के ऊपर डिस्कस किया था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद। ये आज का अपना टॉपिक था मानव उत्सर्जन तंत्र पर जीव विज्ञान के नोट्स। इसी प्रकार जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे।
थैंक यू।